नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े विवादों में हैं। सीबीआई ने समीर वानखेड़े समेत एनसीबी के कुछ अफसरों पर एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर से पता चला है कि ड्रग मामले में वानखेड़े की टीम अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में 25 करोड़ रुपए वसूलने की प्लानिंग कर रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है, क्या समीर वानखेड़े ड्रग पकड़ने के मामले में एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे? एनसीबी की विजिलेंस जाँच में वानखेड़े को लेकर तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। साथ ही सामने आया है कि कैसे क्रूज पर रेड की पूरी साजिश रची गई और 25 करोड़ रुपए वसूलने की प्लानिंग की गई। दरअसल आर्यन खान ड्रग केस के बाद एनसीबी ने समीर वानखेड़े समेत कुछ अफसरों पर विजिलेंस जांच बैठाई थी। एनसीबी की इसी विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने समीर वानखेड़े समेत एनसीबी के कुछ अफसरों पर एफआईआर दर्ज की है। विजिलेंस जांच से जुड़े सूत्रों ने आज तक के समीर वानखेड़े और आर्यन खान की गिरफ्तारी की इनसाइड डिटेल बताई है। सामने आई डिटेल के मुताबिक एनसीबी की विजिलेंस टीम के अहम किरदार संबिल डिसूजा ने वानखेड़े को लेकर तमाम बड़े खुलासे किए हैं। डिसूजा वैसे तो एक ड्रग सप्लायर था, उसे एलएसडी ड्रग केस में एनसीबी की समीर वानखेड़े की टीम ने पकड़ा था। दावा किया जाता है कि उस दौरान समीर वानखेड़े और उनके अंडर काम करने वाले एनसीबी के कुछ अफसरों ने 10 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि आरोपों के मुताबिक ये पैसा वीवी सिंह और खुद समीर वानखेड़े ने ही रखा था। बाद में डिसूजा को समीर वानखेड़े एंड कंपनी अपने मुताबिक चला रही थी। इसके बाद वह वानखेड़े की टीम के लिए शिकार की तलाश करने लगा। इतना ही नहीं, आरोप है कि फर्जी ड्रग्स प्लांट में एनसीबी की टीम डिसूजा का इस्तेमाल करती थी। समीर वानखेड़े को गुजरात के रहने वाले पाटिल नाम के एक शख्स ने क्रूज पर होने वाली पार्टी की जानकारी दी। वानखेड़े को बताया गया कि इसमें कुछ बड़े व्यापारी और बड़े नाम वाले लोग भी शामिल होंगे, इन्हें टारगेट किया जा सकता है। हालांकि अब तक आर्यन खान के पार्टी में शामिल होने की जानकारी एनसीबी को नहीं थी। डिसूजा और पाटिल एक दूसरे को जानते थे। जब एनसीबी ने क्रूज पर रेड डालने की प्लानिंग की तो डिसूजा ने वानखेड़े और एनसीबी के अधिकारी बीवी सिंह से दो प्राइवेट पर्सन भानुशाली और किरण गोसावी की मुलाकात कराई। एनसीबी ने भानुशाली और किरण गोसावी को टास्क दिया कि वह क्रूज पर बड़ा कैच पकड़े। एनसीबी ने अपने टारगेट में 27 लोगों की लिस्ट तैयार की, लेकिन जैसे कि समीर वानखेड़े को जानकारी मिली कि क्रूज पर आर्यन खान अपने दोस्तों के साथ आ रहा है, तो लिस्ट छोटी कर दी गई और अब लिस्ट में केवल 10 नाम शामिल किए गए। आर्यन क्रूज पर आया और उसे पकड़ लिया गया। उसका फोन एनसीबी ने अपने कब्जे में ले लिया ताकि वो अपने घर वालों को फोन न कर पाए। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान के साथ उनके 4 अन्य दोस्त भी क्रूज पर थे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।